बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग 24x9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलामुअलैकुम, और मैं हूँ अबूज़र मौज़्ज़म। आप सब गुड मॉर्निंग, सीमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपका दिन खैर से गुजरे। और इसके साथ साथ आज एक अहम फैसला होना है जी, कोरोना केसेस के हवाले से। तो आप सबको मालूम है कि लॉकडाउन और सख्त लॉकडाउन की तरफ बात जाती है, लेकिन तालीमी इदारों के हवाले से आज फैसला हो जाएगा। आज 24 मार्च है और आज तमाम वजारतें जो हैं तालीम की सूबाई और वफाकी, वो इकट्ठी बैठेंगे और फैसला कर लेंगे। बिल्कुल, और ये फैसला कैलकुलेशंस के बेसिस पर होता है, केसेस की तादाद के बेसिस पर होता है। गुज़श्ता 24 घंटों में 30 अफराद जो है वो जान की बाजी हारे हैं कोरोना के पेश नज़र, और 3301 नए केसेस सामने आए हैं। मुसलसल 4 दिन हो चुके हैं कि 3000+ केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। हाँ, अलबत्ता कल गुज़श्ता 24 घंटों में 72 अमवात हुई थी, और अभी जो ताज़ा तरीन फिगर्स जारी किए हैं NCOC ने, उसके मुताबिक 30 अफराद जो है वो जान की बाजी हारे हैं। कोरोना इज वेरी मच रियल। प्लीज अब इस चीज के बारे में रूमर्स फैलाना, मिथ्स फैलाना छोड़ दीजिए। मैं हर रोज ये बात करती हूँ सिर्फ इस वजह से कि आपके लिए एक रिमाइंडर के तौर पर काम करे कि हमने अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को कोविड से बचा कर रखना है, और वो सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल है, जब आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, और इसके साथ साथ आप हाथ और अपने जो हाइजीन है उसका खास तौर पर ख्याल रखें। बिल्कुल, तो एक तरफ तो SOPs की आपने खिलाफवर्जी नहीं करनी है, दूसरा आप अगर देख रहे हैं कि वैक्सीन मिल रही है तो उसको जरूर लगवाइए, उसके बारे में अगर तहफ़ुज़ात हैं उसको दूर कीजिए, क्योंकि ऐसा कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है वैक्सीन को लेकर। तमाम जो वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल हैं या फिर आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे रशियन चाहे चाइनीज, वो तमाम जो है वो सेफ़ हैं, और इस हवाले से तमाम जो तहफ़ुज़ात हैं लोगों के दूर किए भी जा रहे हैं, मजीद कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं। तो आप भी अपनी फैमिली में अगर कोई वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो उसे सपोर्ट कीजिए, ना कि उसको मजीद शक में डालिए। बिल्कुल, इसी के साथ हम जरा पॉलिटिकल सिनेरियोस पर भी नज़र डाल लेते हैं जी, किस तरह से पूरे मामले को देखा जा रहा है। नैब में मरियम नवाज की पेशी भी है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन लीडर उन्होंने चूज करना है, सेनेट में PMLN पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या मामला चल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ, और टॉप स्टोरीज में हम बात करेंगे कल जी एक अहम पेशरफ्त हुई, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, और मौलाना ने कहा कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर की नशिस्त नून लीग की है, और उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी PDM के मुश्तरका फैसलों का एहतराम करेगी। दोनों रहनुमाओं का तमाम मामला मिलजुल कर हल करने पर इत्तफाक भी हुआ है। और फिर एक अहम पेशी, नैब लाहौर का दफ्तर 26 मार्च को रेड जोन करार दे दिया गया है। मरीम नवाज 26 मार्च को नैब में पेश होंगी, वजीर दाखिला कहते हैं नाखुशगवार वाका हुआ तो जिम्मेदार PDM होगी। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम कोविड की सिचुएशन पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान में मजीद 30 अमवात हुई, 24 घंटों में 3301 नए केसेस सामने आए हैं। और फिर इसे एक और जुड़ी खबर, कोरोना वायरस के बाइस बंद तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, इस हवाले से वज़ीरे तालीम का अहम इजलास आज होना है। कराची की बात भी करेंगे आज के शो में, कराची के 3 सरकारी अस्पतालों का इंतजाम कौन संभालेगा, विफाक यसंत डॉक्टर अजरा बचेहू ने वजीर आजम के मामले खसूसी बराए हेल्थ डॉक्टर फैसल सुल्तान को खत भी लिख दिया है जी। और फिर पाकिस्तान भारत के तालुकात की बात करते हैं, भारत की आबी जहरियत जारी है, मुजाकरात की मेज पर पाकिस्तान का भरपूर एहतजाज, और इरसा के वफद ने मकबूजा कश्मीर में डैमों की तामीरात पर एतराज भी उठाया है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी दरियाओं पर भारतीय डैम सिंतास मादे की खराब वर्जी भी करार दिया गया। और आज के दिन की मुनासिबत से भी बात करेंगे, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज TB से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान TB के शिकार ममालिक में 6 नंबर पर आता है, और ये फिगर दुनिया भर का है। इसी के साथ बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का, और सबसे पहले तो हम बात करेंगे सेनेट में अपना अपना ऑपोजिशन लाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ही काफी मुतहरक हो गई हैं। नंबर गेम होता है जी, जब भी ये इलेक्शन होता है और नंबर्स पूरे करने होते हैं कि किसके पास कितने नंबर्स हैं, वो हमने देखा कि इससे कबल भी जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तब भी यही था, लेकिन तब तो के PDM मुतहद थी तो इतना प्रॉब्लम नहीं था। अब क्लियर डिफरेंस कहते हैं अभी भी हम हैं, लेकिन बातों से ऐसे लग रहा है बेसिकली कि कुछ मसला तो चल रहा है, और मसला अब क्या चल रहा है, ये मामला शुरू हुआ चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस के बाद, और फिर ये हमने देखा कि बयानात का सिलसिला शुरू हुआ, चाहे वो सिलेक्टर कहा जाए कि एक नया सिलेक्टर तैयार हो रहा है मरीम नवाज साहिबा की तरफ से कहा गया, फिर बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया कि मैं नायब सदर को जवाब नहीं दूंगा, नायब सदर मेरी पार्टी का, नायब सदर को जवाब देगा, ये भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। अब इसके अलावा हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से भी बातें चल रही हैं कि वो भी इख्तलाफ रखते हैं कि इस तरह से अब फ्रंट इस्तीफे नहीं देने चाहिए। फिर
एक और मामला, ये जो अपोजिशन लीडर की बात आपने की है ये बड़ी अहम है, क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है जैसे मरीम नवाज साहब ने बड़े ओपनली कहा था कि ये तो नून लीग का ही होगा, लेकिन कल और परसों जब बयान आए पीपल्स पार्टी के तो उन्होंने बड़े ओपनली कहा ये तो हमने ही लेके आना है क्योंकि हम ही मेजोरिटी में हैं अपोजिशन में। तो ये मामला मुझे ऐसे लग रहा है कि मजीद परेशानी का बाइस बन सकता है पीडीएम के इतिहाद के लिए। बिल्कुल, आपको ये बताएं कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए किसी भी धड़े को अपोजिशन जमातों के कम अज कम 26 सेनेटर्स की हिमायत दरकार है। सेनेट में 17 सीट वाली नून लीग का दावा है कि उन्हें JUI की 5, पीके मैप और नेशनल पार्टी के 2 उम्मीदवारों की हिमायत हासिल है और ये टोटल तादाद 26 बन जाती है। जबकि दूसरी जानब पीपल्स पार्टी की 21 सीटें हैं, अवामी नेशनल पार्टी और BNP मेंगल के 2-2 वोटों की हिमायत से ये तादाद 25 बन जाती है। और इसके अलावा जब 26वां वोट क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अहम है तो उसके लिए बिलावल भुट्टो की क्यादत में पीपल्स पार्टी के वक्त की मेरे जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात हुई। ये मुलाकातें और इनका मकसद और फिर ये जो आपसी इख्तलाफात नजर आ रहे हैं, फिर ये भी कहा जा रहा है कल असद एहसन इकबाल की तरफ से कि अगर कुछ नुकसान हुआ तो कौम उसको माफ़ नहीं करेगी PDM के इख्तलाफ को, तो फिर इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त सिचुएशन है क्या, किस तरफ जा रही है, खासकर PDM का इतिहाद। सीनियर एनालिस्ट, सीनियर तजियाकार, सहाफ़ी नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर बेग चुगताई साहब। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ताई साहब, अगर हम शुरू करें PDM के चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, तो यकसर मुख्तलिफ नजर आई है। एक्सपेक्ट ये नहीं किया जा रहा था कि इतनी जल्दी इस्तीफों की बात और फिर लॉन्ग मार्च और अब ये जो सूरत हाल है कि अपोजिशन लीडर हमारा होगा, वो कह रहे हैं हमारा होगा। ये सिचुएशन आप किस तरह से देखते हैं और किस तरफ जा रही है? अच्छा, मेरा ख्याल ये था कि लावल और नई नस्ल के लोग हैं तो माजी का जो उपाय वो इनके पास नहीं होगा, लेकिन मामला उल्टा हो गया। लगता है ऐसा है कि ये भी दोनों माजी के कैदी हैं और जब माजी का कैदी कोई बन जाए तो फिर वो कैदी रहता है, जंजीरें उसके हाथों में रहती है। ये बहुत छोटा सा मामला था और ये जो PDM का फॉर्मेट है उसको तब्दील करने की कोशिश की गई जो मुहाफ़िज़ुर रहमान ने की, उसमें पूरा हंगामा हो गया। फॉर्मेट सिंपल सा था कि धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे और उसके बाद इस्तीफों की पर गौर करेंगे। और इस्तीफों पर गौर भी जो है वो नवाज शरीफ साहब ने बिलावल से कह के शामिल कराया था, क्योंकि 20 सितंबर को खासी तकरार हुई थी मौलाना फजलुर रहमान की और नवाज उसकी बिलावल की इस बात के ऊपर, इस्तीफों के बारे में। तो नवाज शरीफ साहब ने कहते यार शामिल कर लें इसको, मुनासिब वक्त पर देख लेंगे। तो मुनासिब वक्त तो भी शायद बिलावल नहीं आया और धरने से पहले ही मौलाना सार करते रहे कि इस्तीफे दे दी जाए। ये समझ में बिल्कुल ठीक समझ में नहीं आया कि धरना और इस्तीफे किस तरह नथी हो गए एक दूसरे के साथ। ये तो एक पूरा प्रोसेस था जिससे गुजरना था आपको, उसके बाद आखिरी स्टेज पे पहुंचना था। आखिरी स्टेज पे पहुंचकर फिर ये कमेटी तय करती कि जो लिखा हुआ है उसमें चार्टर में कि कमेटी तय करेगी, सब कमेटी कि इस्तीफे कब और किस तरह दिए जाए। वो कमेटी भी नहीं है बनी, उस कमेटी की कोई सिफारिशात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना का वो किरदार नहीं रहा जो नसरुल्लाह खान का किरदार था। नवाबजादा नसरुल्लाह खान का बड़ा जबरदस्त किरदार था, वो दोनों फरीकों को बिठा के रखते थे, संभाल के रखते थे। यहाँ बिखेर दिया गया और बिखेरा गया उस वक्त जब मौलाना ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद जुमले बोलने के बाद वो पैर पटकते हुए चले गए। अब वो टेलीफोन पर टेलीफोन कर रहे हैं लोगों को, नवाज शरीफ साहब को भी, जरदारी साहब को भी, बहुत से मामला हो चुके हैं, तलखियाँ बढ़ी हैं। लेकिन रात को एक अच्छा बयान आया है बिलावल का कि ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे अपोजिशन का इत्तेहाद हर्ट हो। और उसके लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो चुका था। उससे पहले मोहम्मद जुबैर साहब बहुत चैलेंज कर चुके थे, उसका जवाब मीर बुखारी साहब दे चुके थे और वो बहुत तगड़ा जवाब था वो, क्योंकि पीपल्स पार्टी वालों के पास जवाब बहुत तगड़े होते हैं जी। उनका एक माजी है, खास माजी, और सारे नवाज शरीफ वालों के पास भी सवाल तगड़े होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये मामला थोड़ा बिगड़ा अभी, लेकिन अब आपने ये बात बिल्कुल ठीक की कि एक स्टेटमेंट कल आई, उन्होंने अपने तमाम पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी कह दिया है कि खास तौर पर मुस्लिम लीग नून पे या PDM पे तनकीद या तनकीदी बयानात ना दिए जाएं, तो इस चीज़ को अवॉइड किया जाए। अब जो रबते हो रहे हैं टेलीफोनिक रबते, क्या आपको लगता है चुगताई साहब के दोनों मुश्तरका कैंडिडेट ला सकेंगे कायदे हिजबे इख्तलाफ का सेनेट के लिए, या उस वहाँ पर जो है वो ये दरार वाजे हो जाएगी जब अपना अपना कैंडिडेट आएगा? देखिए, ये डिपेंड करता है हालात क्या किस तरफ जा रहे हैं।
अगर आप किसी को लाडला कहते रहे, आप किसी को ये कहते रहे कि तुम्हारा माजी है इस तरह का है, तुम लाड ले रहे हो, पहले तुम लाड लेते, तो वो तो फिर झगड़ा रहेगा और फिर दो मुख्तलिफ उम्मीदवार अगर आए तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, फिर बड़ी सुक्की होगी। फिर तो क्लियरली इट इज अ ब्रेकअप, अगर दोनों उम्मीदवार अलग अलग आते हैं तो फिर तो फॉरएवर ब्रेकअप हो जाएगा। देखिए इस वजह पीडीएम जहाँ खड़ी है ना, वहाँ पीडीएम एक खाई के किनारे पे खड़ी है कि वो गिर भी सकती है, दरिया के बहाव में बह भी सकती है वो, और उसको वापिस आप खींच भी सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है और दोनों ऑप्शन मौलाना के पास नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ मौलाना के पास नहीं है, बिलावल के पास और मरियम के पास है, ये नवाज शरीफ के पास और जरदारी साहब के पास है कि वो अगर पीडीएम को मुत्तहिद रखना चाहते हैं तो एक बार खुल के बात करें। बिल्कुल सही कहा जो जरदारी साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा जवाब में जो नवाज शरीफ साहब ने कहा, बात खत्म हो गई ना, बात खत्म हो गई। मरियम हर्ट हुई, उन्होंने कह दिया जी अब मुझे बुरा लगा है, उसने बेटा सॉरी तुम तो मेरी बेटी की तरह हो, बात मरियम ने बात वहां खत्म कर दी थी। लेकिन बात क्यों बड़ी, बात बड़ी जब ट्वीट जो है ना, पॉलिटिशियंस को तो ट्वीट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये ऐसी चीज है जो बसेरे घर उजाड़ देती है। तो वही वो आके ट्वीट आया कि नया लाडला बन रहा है, उसका जवाब गया कि लाडले तो आप थे, फिर वही वाकया। तो चुगताई साहब आप इस तरह से कह रहे हैं कि ट्वीट नहीं करने चाहिए, ऐसे तो लगता है कि आधी सियासत जो है बड़ी पार्टीज की ट्वीट भी चल रही होती है और वहीं से लड़ाइयां भी शुरू हो जाती हैं, वहीं से बात भी चलती है, खबरें भी बनती हैं। तो ये जो एक बड़ी कल और बात सामने आई, नईर बुखारी साहब ने ऐसा कहा है कि दो पार्टी के जो लीडरान हैं वो फैसले करें, बाकी ऊपर मुसलत करें ये कबूल नहीं है। ये दो पार्टी ऐसे लग रहा है कि फजल रहमान साहब और नून लीग को वो कह रहे थे, तो फिर ये जो इस तरह से उन्होंने बात कर दी है तो फिर तो कबूल नहीं किया गया ना इनकी तरफ से कि जो आगे जो मामला चलने वाले हैं। पीपल्स पार्टी ने तो ओपनली कल कह दिया फिर से। देखिए पीपल्स पार्टी तो अपने इस स्टैंड पर कायम है कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, पिछली बार मैंने आपसे कहा था, ये तो मैं आपसे अपनी कितने महीने से बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, उसकी अपनी फिलोसफी है। मुस्लिम लीग कह रही इस्तीफे दे, तो फिर पीपल्स पार्टी ने एक कार्ड नया खेला, उन्होंने कहा कि जी आप जाए और पंजाब असम्बली में तरीके अदम जमा ले आए, वो आप कर नहीं पाए। कल जुबैर साहब ने कहा कि भाई खाली वोट थोड़ी होते हैं अदम एतमाद में, और हम बैक डोर, पीपल्स पार्टी बैक डोर से ना आए पॉलिटिक्स में। तो खारे ने कहा कि हम वो नहीं है कि जो मुलाकात करें तो आईएसपीआर प्रेस रिलीज जारी करें उसकी वजाहत की। तो ये बड़ी गड़बड़ सूरत हाल है। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो चाप हो जाए बयान देना बंद करें, और अगर तोड़ना है तो खुश दिली के साथ, शायर की नजम है ना, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, बहुत खूबसूरत नजम है, इतना आसान नहीं है चुगताई साहब अजनबी बन जाना। और ये बात आपको पता है कि फिर जब ब्रेकअप्स होते हैं तो फिर बातें भी निकलती हैं कि उसने मुझे उस वक्त में ये कहा था तो आपने भी तो ये कहा था, और ये हो भी रहा है। राणा सनाउल्ला का स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि हमारे पास ऐसी वीडियो भी है जिसमें साबिक सदर साहब ये कह रहे हैं, फिर पीपल्स पार्टी के कुछ लोग आके कहते हैं हमारे पास भी ये चीजें हैं जो जिस तरह के बयान चल रहे थे, तो राज तो खुलना शुरू हो गए हैं जो ऑब्वियसली ऑपोजिशन के लिए अच्छे नहीं है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि ये अब इतिहाद जो है वो ब्रेकअप हो जाएगा या टूट जाएगा या वापस आएगा, तो ये जो बाकी की नौ जमाते हैं पीपल्स पार्टी को निकाल कर, क्या ये धरना देंगी, लॉन्ग मार्च करेंगी, क्या आपको लगता है ये उस पीडीएम के बयानिए को आगे लेकर जाएंगी? देखिए अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि इस पूरे खेल में दो चीजें गायब हो गई, एक लॉन्ग मार्च गायब हो गया जी, मगर तीन, एक धरना गायब हो गया, एक इस्तीफे गायब हो गए। अब जिन इस्तीफों पर आपको इतना इसरार था वो कहाँ चले गए? अब देते इस्तीफे आप लोग यार, आपकी था ना मनशा, आप मर्जी आपकी कि इस्तीफे देंगे धरना देंगे, तो धरना आपने क्यों नहीं दिया? धरने को मतलब धरने को आप क्यों मशरूत कर रहे हैं किसी और बात से? आप लॉन्ग मार्च तो कर लेते, चले धरना भी ना दें आप, लॉन्ग मार्च तो कर लेते आप, वो भी नहीं कर रहे आप, तो इसका मतलब है आप तीन चार कदम पीछे लड़खड़ाते हुए गए हैं आप, और ये पीडीएम के लिए बहुत खतरनाक है। पीडीएम की बाकी पार्टियां कौन सी हैं पता है? मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी पार्टियाँ हैं पीडीएम, बाकी पार्टियाँ एनपी है, मैंगल साहब वगैरह हैं, ये कहाँ होंगे इसका पता है आपको? किसके साथ होंगे? जमात इस्लामी शामिल है नहीं, उसका एक वोट है इल्ला माशाल्लाह, और वो किधर जाती है भी देखना पड़ेगा, वो नहीं जाएगी कहीं, उनकी पॉलिसी ऐसी हो गई है कि वो
पार्लियामेंट में जाना गवारा भी नहीं करते, जाते हैं तो चुप बैठे रहते हैं, ना वोट डालते हैं ना हक में ना मुखालफत में, उनका वोट बेकार ही हो गया है। लेकिन लेकिन चुगताई साहब, यहाँ पर वो वोट जो बेकार नजर आता है ना, वो कल जो बिलावल साहब की मुलाकात हुई, ऐसे लग रहा है कि वो बेकार वोट को एक्टिव वोट करने के लिए अब कोशिश हो रही है कि एक वोट अगर मिल गया तो फिर चेयरमैन अपोजिशन जो लीडर है इन सेनेट उसके लिए आसानी हो जाएगी, तो आपको लग रहा है वो मान जाएंगे जो कल अहम मुलाकात हुई है? ये आपकी जो बात है ना, उस पर कल एक चैनल ने बहुत लंबे लंबे टिकट चलाए अंदरूनी कहानी मुलाकात की। अच्छा। मौलाना ने मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मौलाना कहा हम वोट नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद जमात इस्लामी का बयान आया, ये तमाम खबरें बेबुनियाद है। अच्छा। तो तरदीद इसलिए मेरा ख्याल है आप जो कह रहे हैं ना, वो इसलिए मुझे सही लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो तरदीद नहीं आती। मैं नहीं कह रहा कि वोट देंगे, लेकिन तरदीद आने का मतलब ये है कि कुछ कुछ तो है इस पर्दे के पीछे, कुछ तो वाकया हुआ है, कुछ तो हाँ या ना बात हुई है, तो लड़सी क्या होता है? मुझे याद आ रहा है, आपको याद होगा पीडीएम का एक इजलास हुआ था जिसके बाद ये बातें सामने आई थी कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ से कहा है कि वापस आओ, उस वक्त इसकी भी तरदीद की थी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उस वक्त भी तमाम एनालिस्ट ये भी कह रहे थे कि पीपुल्स पार्टी रिजाइन नहीं करेगी, और पीपुल्स पार्टी अप फ्रंट आकर कहती थी कि हमारे पास रेजिग्नेशन का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन अब इस फाइनल इंसिडेंट के बाद तो ऐसा लग रहा है कि वो तमाम चीजें जो हर इजलास में बाहर आती थी, इसका मतलब वो सच थी, इसका मतलब वो एग्जिस्ट कर रही थी इजलास में, उन पर बातें हुई। देखिए पीपल्स पार्टी का तो शुरू से ओपन है, बेनजीर भुट्टो के जमाने में बहुत ओपन है कि वो पार्लियामेंट नहीं छोड़ेगी। वो बेनजीर भुट्टो ने एक बार इंतखाबात का बायकॉट कर दिया था, गैर जमाती इंतखाबात थे जियाउल हक वाले, और उसके बाद उन्होंने माजरत की थी इस बात पर कि मैंने बायकॉट करके बड़ी गलती की, मैंने और उसके बाद उनका था हमें हमेशा एक हो या दो हो हमें पार्लियामेंट में रहना चाहिए। बिल्कुल, तो वो एक फिलॉसफी है। अगरचे पीपल्स पार्टी बेनजीर की बाकी फलसफे पर अमल नहीं कर रही है, लेकिन इस पर अमल कर रही है। सही चुगताई साहब, अब आपने जिस तरह जिक्र किया कि अंदरूनी कहानियां और फिर उनके अंदर बाद में जो मामलात आते हैं, तरदीदें और फिर तस्दीक भी की जाती है, एक और वीडियो का जिक्र भी हो रहा है जिसको नून लीग ओपनली उसकी तरदीद कर रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज मरियम साहिबा की कोई ऑनलाइन मुलाकात हुई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि आप हमजा की लाइन को टो करें, मरियम साहिबा को थोड़ा सा उन्होंने खामोश करवाया और कहा है कि नहीं आप हमजा को फॉलो करें, ऐसी बात जो की गई है, क्या आपको लग रहा है कि ये भी तरदीद या तस्दीक की जरूरत है इसको? यार देखिए मैं बताऊँ आपको एक बात सच्ची, 40 साल हो गए मुझे इस पेशे में, और मैंने रिपोर्टिंग से शुरू किया, इंटर्नशिप से मैंने शुरू किया था जी, और मैं हेड ऑफ चैनल तक गया, डायरेक्टर तो बहुत छोटी चीज़ है, हेड ऑफ चैनल तक मैं गया, तो मुझे प्रूफ रीडिंग से लेकर हर चीज़ का तजर्बा है, मैं अपने हाथ से कर सकता हूँ। ये जो खबरें होती है ना, अब तो खबरें, अब तो प्रोग्राम होते हैं, अब अगर टीवी पर नहीं तो यूट्यूब पे होते हैं, और एक साहब बैठ जाते हैं कुर्सी के ऊपर और वो खिताब शुरू कर देते हैं, और कहते हैं ये हुआ और मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ, बताते कुछ नहीं वो आधे घंटे तक, अब फिर कहते हैं वैसे ऐसी वीडियो है, मैंने खुद देखी है, वो दिखाते भी नहीं वो, अगर ऐसी कोई वीडियो है जी तो दिखा दो यार, आपकी तो जो लाइकिंग है और आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो तो 3 लाख तक पहुंच जाएंगे, 10 लाख पहुंच जाएंगे अगर वीडियो आप दिखा देंगे, वीडियो को दिखाता नहीं, वजह क्या है? वजह ये स्टोरी प्लांटेड होती है, हम कई बार देखते हैं ब्लूमबर्ग की स्टोरी जो है पाक भारत मुज़ाकरात की, बाजार प्लांटेड है, बाजार प्लांटेड है, लेकिन उसके पीछे थोड़ा बहुत है, लेकिन वो क्योंकि स्टोरी है, टेक्स्ट है, इसलिए मैं उसको रियायत देता हूँ, लेकिन वीडियो जब तक मुझे आप नहीं दिखाएंगे आप इस तरह की चीजों के ऊपर, ठीक है, मरियम को मैं यकीन नहीं कर सकता। बिल्कुल, लेकिन दूसरी जाने चुगताई साहब आपका कमेंट मैं नैब पेशी के हवाले से भी लेना चाहूंगी, कि सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन अमान ने पेशी के दौरान रेड जोन करार देने की मंजूरी दे दी है, नैब के इर्द गिर्द का एरिया जो है वो रेंजर्स और पुलिस के हवाले होगा, कोई गैर जमहूरी अमल वहां नहीं होने दिया जाएगा, और जाहिर है ये भी वही माजी का एक रेफरेंस ही लिया जा रहा है कि जब लास्ट टाइम वो पेश हुई थी तो क्या हंगामा हुआ था। आपको लगता है कि इस दफा बस वो आएंगी पेशी पर, अब सवाल के जवाब देंगी और चली जाएंगी, कोई हंगामा नहीं होगा, या पीडीएम इसको मैच्योरली हैंडल करेगी? मैं पीडीएम इसलिए कह रही हूँ कि नून लीग भी ये कहती है कि हम पीडीएम के साथ ही जाएंगे, पीपल्स पार्टी विद और विदाउट। देखिए मेरा ख्याल ये है कि बहुत मैच्योरली जाना चाहिए, बहुत सुकून से जाना चाहिए जी। फिर मौलाना की बात आ जाती है, मौलाना कहते हैं लाखों हजारों लाखों लोग होंगे,
लाखों तो बीबी हो नहीं सकते, सिंपल सी बात है। अगर लाखों होना होते तो लाहौर के जलसे में होते, लाहौर के जलसे में लाखों नहीं थे, नहीं थे। तो लाखों तो नहीं होंगे, सैकड़ों हो सकते हैं। और उन सैकड़ों में अगर दस ने भी हंगामा कर दिया तो एक नया बलवा हो जाएगा, नया फसाद हो जाएगा जी। तो मेरा ख्याल है मरियम को बहुत बहुत दानिशमंदी के साथ इसको डील करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जो जानबूझ के फसाद कराना चाहते हैं जी। ताकि उनका केस स्ट्रांग हो जाए, उनका केस तगड़ा हो जाए और वो अपोजिशन पर क्रैक डाउन कर सके। सही। ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग इंतजार में बैठे हुए, वजीर दाखला पीछे बैठा हुआ पाकिस्तान का आपका, और उस्मान बुजदार साहब के भी ट्वीट आ रहे हैं जी जी। उनके भी ट्वीट चले, बर्दाश्त नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इजाजत नहीं देंगे। भाई कुछ लोग अगर आ रहे हैं बिल्कुल तो उनको आने दें, आराम से वो खड़े हो जाएं, जहाँ रुकावट है वहाँ रुक जाएं। लेकिन जुगताई साहब, कुछ लोग आ रहे हैं उनको आने दें, आपको याद है अगस्त में जो हुआ, तो वो फिर कुछ लोग फिर अगर कुछ गड़बड़ करें तो मामला खराब हो जाता है ना, शायद इसीलिए ये किया जा रहा है। तो आप मैं यही कर जी कि अगर 10 लोगों ने भी पथराव शुरू कर दिया ना तो वहाँ फसाद हो जाएगा बहुत बड़ा जी, और इससे बचना चाहिए। और ऐसा ही हुआ, इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अब बेहतर ये होगा यार, बेहतर ये होगा कि कोर्ट जाएं, 8-10 लोगों के साथ पेश हो जाएं, क्या जरूरत जूस ले जाने की, पर क्या पैगाम क्या देना चाह रहे हैं। लेकिन आप बार बार जो ट्वीट्स का जिक्र कर रहे थे उसमें मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि अगर ट्वीट्स में इमोजीज यूज होना शुरू हो जाए तो शायद कॉन्टेक्स्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये बात किस टोन में बोली है। टाइम्स ये भी होता है कि सिर्फ टेक्स्ट लिखा होता है और हर कोई अपने अपने तरीके से उसको, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से ऐसा होता है कि आप किसी से व्हाट्सएप पे बात भी कर रहे हो और आप इमोजीज ऐड ना करो तो फिर लड़ाई भी। अगर आप स्माइल बना दें एंड में या फिर कोई फनी स्माइल बना दें तो साथ ही कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। लेकिन ट्वीट पे वो चाहते हैं कि कोई ऐसा मेरे ख्याल मैसेज ना जाए, तभी उसमें कन्फ्यूजन नहीं दे दी जाती है। तो ये जरूरी है जी, और ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि मैच्योरली बिहेव करना चाहिए, स्पेशली जब आप कोर्ट्स में जाएं या नैब के पास पेश हों, तब मामला जो है वो बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे एक और स्टोरी। डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद कहते हैं कि जो बाइडेन हुकूमत पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद है, बहुत जल्द अमरीकी सेनेटर्स पाकिस्तान और एलओसी का दौरा भी करेंगे। और जो बाइडेन अभी सदर जरदारी की जानिब से मिलने वाले सिविल अवार्ड को याद करते हैं, उनकी मुलाकात हुई है ओवैस कैनी से, उनसे जानते हैं। ओवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, जो अमरीकी जो सियासी और कारोबारी शख्सियत है ताहिर जावेद, वो पाकिस्तान आए हैं और उनको तमगा इम्तियाज से नवाजा गया है 23 मार्च के दिन, और इनके इनसे बात करते हैं। ताहिर साहब बहुत मुबारक हो आपको, ये बताइएगा कि क्या सोच रहे हैं डेमोक्रेट्स, जो बाइडेन जिनके करीब हैं आप बहुत ज्यादा, वो पाकिस्तान के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या उनके व्यूज हैं, कोई पॉजिटिव चीज आई है पहले की निस्बत? देखें, पाकिस्तान की एक जो भी एक सिग्निफिकेंस है यहाँ पे इस एरिया के अंदर, और जो एक सालों साल से अमेरिका के लाई की हैसियत से थिक एंड थिन के अंदर पाकिस्तान हमेशा खड़ा है, उस चीज़ को उसी तरह देखा जा रहा है, उसके अंदर उसी तरह इन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बातें होती हैं। ये बताइएगा कि क्या कोई आपका कोई है यहाँ पर सेनेटर्स लाने का कोई प्रोग्राम है कि यूएस सेनेटर्स को आप यहाँ पर लाएं और दिखाएं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एलओसी पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान की क्या एफर्ट है और इंडिया किस तरह स्टेट टेररिज्म कर रहा है? अच्छा, एक साल पहले आपको याद होगा कि मैं 2 अमेरिकी सेनेटर्स को यहाँ पे लेके आया था और हम कश्मीर में दोनों को एलओसी के ऊपर ले जा करके कामन लोगों के साथ उनकी गुफ्तगू कराई। पाक यूएस ट्रेड को आप कहाँ पे देख रहे हैं आगे? पाक यूएस ट्रेड जो है अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बहुत लो लेवल पे है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं दोनों मुल्कों के अंदर, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत भी है। और आज मैं आपको ये बता सकता हूँ थोड़ी सी, जो प्री हैंड के सेनेट के अंदर इस चीज़ की गुफ्तगू हो रही है कि जी पाकिस्तान ने जो वार ऑन टेरर के ऊपर इतना बड़ा रोल प्ले किया है, तो वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन के मामले में ट्रेड के अंदर कोई थोड़े से पाकिस्तान को रिलीफ दिए जाएं, तो वो जैसे ही ये मामला थोड़े से आगे निकलते हैं और ये कोई इस तरह का बिल अगर आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये तो 10-फोल्ड ट्रेड जो है वो आगे चली जाएगी। ये बताइएगा कि जो बाइडेन को 23 मार्च को ही एक अवार्ड दिया गया था, तो क्या उनको उस अवार्ड का आज भी उनको 23 मार्च के मौके पर कोई याद दहानी करवाई है आपने, उसको कैसे देखते हैं उस अवार्ड को? मेरे घर पे जब जो बाइडेन कुछ महीने पहले तशरीफ लाए थे तो इसका बड़ा उन्होंने एक इजहार किया था कि जी पाकिस्तान गेम या सिविल अवार्ड, तो मतलब दैट वाज, जैसे ही मेरे से बात हुई तो जो
चंद मामलात पे उन्होंने अपनी एक खुशी का इजहार किया था और उसके अंदर उसमें इस चीज़ का भी जिक्र किया था, ही अप्रिशिएट दैट। जी बिल्कुल, जिस तरह ताहिर साहब का कहना है कि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुस्बत सोच रखे। ज़बरदस्त बात जी, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, और हम उम्मीद करते हैं कि वाकई ये जो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात हैं मज़ीद बेहतर हों, जिससे पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और जो खत्ते में वो भी इस्तेहकाम आए इंशाल्लाह। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। ऑल दो लॉकडाउन में उतनी सख्ती नहीं आई है, लेकिन फिर भी जो सूरत हाल है वो परेशान कुन है, क्योंकि मजीद 30 अमवात हुई गुज़िश्ता 24 घंटों में और 3301 नए केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की मजबत केसेस की जो रेशो है, जो शरह आ रही है वो 8.6 आ रही है, और मजमू तादाद अमवात की 13,965 तक पहुँच गई, और अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 36,849 पर पहुँच गए हैं, और ये फिगर जो है वो तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ तो कोविड से ये पूरा मुतासर हो रहे हैं लोग, और कोविड की वजह से लॉकडाउन और कोविड की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन की ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं खुलेंगे ये आज डिसाइड होगा। दूसरी तरफ एक और पैरेलल चीज जो गवर्नमेंट देख रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली देख रहा है, वो कोरोना वैक्सीन है, और अब निजी इदारों को इजाजत तो दे दी गई है। आमदो फरोख्त के मामले पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की वॉइस चेयर पर्सन ने इस पर खत लिखा है कि इजाजत दे दी गई है, लेकिन कीमत कौन तय करेगा, कीमत होगी क्या, वो चाहे चाइनीज वैक्सीन हो या रशियन वैक्सीन हो, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो अब क्रिएट। बिल्कुल, बेसिकली हुआ ये कि खत लिखने की इसलिए जरूरत पड़ी कि जो इस वक्त कैप रखा गया है, जो कीमत रखी गई है रशियन की 8,449 और चाइनीज की 4,225, वो ये कहा गया है इस खत में नासरा जावेद इकबाल साहब की तरफ से कि ये एक तो दुनिया में तो ये फ्री देनी चाहिए, दे भी दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान ये पैरा मुल्क है जहाँ पर एक तो प्राइवेट और फिर इतना ज़्यादा रेट, अगर आपने प्राइवेट करना ही है तो भारत में देख लें इससे 10 गुना कीमत कम है, ये 8,000 वाली जो है वो 1,500 में मिल रही है। तो बेसिकली आपको ये एटलीस्ट देखना चाहिए कि जो अगर कीमत रखी है तो कम अज़ कम प्राइवेट सेक्टर को आप सख्ती से कहें कि ये रेगुलेशन होनी चाहिए कि इतनी ज़्यादा कीमत ना हो। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो कोरोना के केसेस के हवाले से बात करेंगे। 1.6 रेशो कॉन्टीन्यूसली आ रही है और 3,000 प्लस केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस कदर तेजी से ये ट्रांसमिट कर रहा है। लॉकडाउन में कहा था कि एनसीओसी का इजलास होगा तो शायद मजीद सख्ती भी की जाएगी, हुकूमत इसको किस तरह से टैकल करने का इरादा रखती है? देखें जी, इस वक्त आपने देखा की है और उसके अंदर जो पाबंदियां दूसरी बात ये कि उनकी मॉनिटरिंग जो है की जा रही है कि एजुकेशन जो ऐसो उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, खामियां को दी गई है कि जहाँ वायलेशन फाइन हो सकते हैं, गिरफ्तारियां भी हो सकती है, और जो होगा होगा ऐसो सख्ती से देखा जाए, और चीज भी है और तालीमी इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं, जो बच्चे उसके अंदर इन्वॉल्व है और फिर वो बच्चे अपने घरों में जाते हैं तो वो फैमिलीज उनके साथ स्टेक होती हैं, तो आज कुछ डिसीजंस जो तालीमी इदारों से लिए जाएंगे वो भी मैं समझती हूँ बहुत अहमियत का हामिल है। और उसके अलावा आपको पता है जिस तरह से ट्रांसपोर्ट की उसमें तादाद फिक्स कर दी गई है, कम कर दी गई है, बाकी मार्केट्स को जल्दी बंद करने की, हॉल्स को बंद करने की, वो तमाम तो आपके सामने है, अगर अब इनके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज्यादा किया। आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस किया जा रहा है। कल खबरें आ रही थी, कल बहुत सी वीडियोस भी वायरल हो रही थी, जब हमने देखा कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टर साहबा सियालकोट है जिसमें शामिल फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, कि बहुत से लोग तो अभी तक एक साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है वो कोरोना को ही नहीं मान रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको नहीं लगता कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन में बहुत वीक नजर आती है, क्योंकि लोगों को पहले तो बिलीव कराना होता है फिर एसओपीज को फॉलो कराना होता है, यहाँ पर तो हाफ जो है लोग मानते ही नहीं अभी तक। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, शहर लाहौर की अगर बात कर ले, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया लिबर्टी राउंड अबाउट जहां जश्न बहारा का एक फेस्टिवल था, उसको पोस्टपोन तो कर दिया गया स्मार्ट लॉकडाउन के पेश नजर, बट इस कदर लोग वहां पर हजूम लगाकर बैठे हुए थे, रश लगा हुआ था, कोई मास्क नहीं है और कोई इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए भी वहां पर मौजूद नहीं है। देखिए इसमें टू वे होता है, हुकूमत तो अपना काम कर रही है मगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर
इंतजामिया जो है वो कई दफा बेबस इसलिए हो जाती है कि लोग जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये आपका टू वे चीज होती है। हुकूमत अपना रोल कर रही है और आवाम को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी, और मैं समझती हूँ कि जितना इस वक्त अवेयरनेस के लिए आप लोग मीडिया जिस तरह डेली इसके ऊपर प्रोग्राम्स कर रहे हैं, डेली एनसीओसी का डाटा जो है वो शेयर किया जाता है, डेथ रेट बताया जाता है, हॉस्पिटल्स की सिचुएशन बताई जा रही है कि वो बिल्कुल अब भर चुके हुए हैं और बिल्कुल कैपेसिटी उनमें कम होती जा रही है दिन ब दिन, तो ये सारी चीजें लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी होनी चाहिए। मगर इसके बावजूद अगर इसको लोग सीरियसली नहीं ले रहे तो फिर हम इसके बारे में क्या कहते हैं कि लोग इतनी गैर जिम्मेदारी का जो सबूत दे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि फिर क्या कहा जा सकता है डॉक्टर साहबा, अब यही किया जा सकता है कि कैंपेन मजीद सख्त की जाए, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि कोरोना के एसओपीज की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए कैंपेन उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। लेकिन अब अगला सवाल आता है वैक्सीन के हवाले से, जो लोगों को आपने अवेयर करवाना है कि वैक्सीन किस तरह से लोगों को उसमें आप फॉलो करवा सकते हैं कि वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। लोग अभी तक यही कही जा रहे हैं कि वैक्सीन के खतरात क्या हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट उस तरह से लोगों को ये नहीं बिलीव करवा पा रही कि वैक्सीन टोटली सेफ है। नहीं देखिए, इसमें ये था कि शुरू में बिल्कुल हम लोगों ने देखा था कि एक बहुत हेजिटेंसी थी, वेट एंड सी वाली पॉलिसी थी, और इसके अंदर जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हालांकि वो लोग तो खुद इस चीज को समझते हैं वैक्सीन के फायदियत को, वो लोग भी थोड़े से हेजिटेंट थे। वो सिर्फ मतलब रिफ्यूजल नहीं था, हेजिटेंसी थी, वेट एंड सी वाली पॉलिसी थी उनकी, कि वो कुछ अरसा देखना चाहते थे कि जिनको लग रही है उनका के उनके ऊपर किस तरह के असरात होते हैं दो एक महीने। तो अब वो हेजिटेंसी जो है वो मैं समझ रही हूँ कि बहुत हद तक अब वो कम होती जा रही है दिन ब दिन, जैसे जैसे एक बड़ी तादाद लोगों के सामने आके लगवा रही है और लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और जिस तरह शुरू में जब ये वैक्सीनेशन शुरू हुई थी तो जितने लोग स्केड्यूल्ड होते थे उसमें से तकरीबन 40-45% मुश्किल से टच शुरू हो गया। जिस तरह 1000-1500 लोग आते थे, अब ऐसे भी दिन गुजरे हैं जब 41,000 लोगों ने एक दिन में वैक्सीनेशन कराई है, और ये तादाद अब बढ़ती जा रही है। अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पे रश भी होने लग गया है, लोग आ रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि ये दिन ब दिन जो है ये इसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। आप लोग भी, हम लोग भी हर जगह इस प्लेटफॉर्म इसके बारे में आगाही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, लेकिन कीमत के हवाले से भी आप कहिएगा कि कीमत के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जो कीमत रखी गई है 8,449 रूसी वैक्सीन की और 4,225। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा ने कल ये खत भी लिखा है और आवाम में भी इस हवाले से तश्वीश पाई जाती है कि एक तो प्राइवेटली यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल है लेकिन उसकी कीमतें बहुत ज्यादा रखी गई है। अगर हम अपने हमसाए मुल्क की बात करें तो आधी कीमत से भी कम कीमत। पहले तो ये बात समझनी, जी सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि ये जो प्राइवेट वैक्सीन है ये मैंडेटरी नहीं है, किसी को कंपलसरी नहीं है कि वो जाके लगवाए, ये बाय चॉइस है। जी जी जी, जिम्मेदारी अदा कर रही है हुकूमत अपनी पूरी पॉपुलेशन के लिए बंदोबस्त कर रही है। मार्च के एंड तक हमारे पास एक मिलियन यानी 10 लाख वैक्सीन साइनोफार्म की जो गवर्नमेंट ने परचेज की है और वो तमाम आवाम को वो फ्री लगेगी, वो हमारे पास पहुंच जाएगी। कैंसिनो बायो जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है उसकी पहली खेप 60,000 वैक्सीन की, वो भी एंड ऑफ मार्च हमारे पास पहुंच जाएगी। मजीद गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ा रही है और आपके सामने है कि इन वैक्सीनेशन सेंटर्स पे बेहतरीन इंतजाम है। ठीक है, जो जाता है वो उसको लगती है, सिर्फ एक एज वाइज हम लोग चल रहे हैं। अगर कोई अपनी एज से पहले लगवाना चाहता है, अपने ग्रुप की बारी आने से पहले लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए प्राइवेट वैक्सीनेशन की ऑप्शन है, वो कंपलसरी नहीं है, हुकूमत सबको फ्री देगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और ये बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट वैक्सीन खरीद रही है लेकिन ऑब्वियसली ये फेज वाइज होता है, मरहलावार जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी आवाम तक पहुंचाती जाती रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज समझ नहीं आई कि प्राइवेटली हो या पब्लिकली अवेलेबल हो वो चीज, रेगुलेशन तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, और कीमत अगर प्राइवेटली लाकर वो आपने 8,000 तय कर दी तो फिर इसका मतलब है कि निजी तौर पर कोई 12,000 में भी बेचते, 15,000 में भी बेचते, गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं कर सकेगी। प्राइवेटली इन्होंने ही तय किया ना 8,000, इन्होंने किया ना, वही मैं बात कर रही हूं कि रेगुलेशन है, इसके ऊपर हमने कीमत नहीं रखनी। लेकिन ये कैप भी यही डिस्कस हो रहा है कि बहुत ज्यादा है, रेगुलेशन गवर्नमेंट का काम है, प्राइवेट सेक्टर में ये तो नहीं हो सकता जिसकी मनमानी जो मर्जी करता रहे कि जी वो प्राइवेट आपकी मर्जी आप लगवाए या नहीं। तो होना ये चाहिए कि बेसिकली प्राइवेट में आप भी रेगुलेट करें, प्राइवेट में भी आप देखें कि आया ये जो कीमत
बात है 8,449 रुपए और दूसरी 4,225 रुपए, ये नॉर्मल है या नहीं है? आप रीजन में देखें कितनी कीमत मिल रही है और फिर उसके बाद आप तय करें। इस तरह से नहीं हो सकता कि आप कह दें कि प्राइवेटली थी तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर में जिसकी मर्जी जाके चला जाए, फिर तो मनमानी होगी ना, फिर ये तो गलत चीज़ है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको भी रेगुलेट करे। इसलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये कह रहा है कि इस कीमत को दोबारा से रिवाइज किया जाए। बिल्कुल, इसको रिवाइज भी किया जाए और देखा भी जाए कि किस तरह से ये आम आदमी के लिए अवेलेबल होगी। डॉक्टर साहबा, हमें याद है कि ये बात हुई थी कि अब नेक्स्ट फेज शुरू होगा जिसमें 50+ लोगों को जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी, और उन्होंने कहा कि मार्च के एंड में जो है वो हम वो सिलसिला भी शुरू कर देंगे। तो गुड लक टू द गवर्नमेंट फॉर दैट, एंड आई होप कि गवर्नमेंट अपना ये जिम्मेदारी जो है, अपना ये जो रोल है वो पूरी तरह से निभाए। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। एक इशू जो कल बड़ा खुलकर सामने आया, वैसे तो इंडिया हमेशा ही नजरें चुरा जाता है, धोखा देता है, मुनाफिकत करता है, और अब ये जो इंडस वाटर प्रोटेस्ट का इशू चल रहा है कि दरियाओं का पानी चोरी किया जा रहा है, और इसमें मुजाकरात की मेज पर भी वो आंखें चुराने लगा। बिल्कुल, नई दिल्ली में हुए मुजाकरात में भारत मक्कारी की हदें पलांगता रहा और यही रुआ कि मैं ना मानूं। नई दिल्ली में हुए मुजाकरात में पाकिस्तानी वफद की क्यादत इंडस बॉर्डर कमिश्नर महर अली शाह ने की थी, और भारत की जानब से पी के सक्सेना मुजाकरात में शामिल थे, और यही सूरत हाल के मगरबी दरियाओं पर जो पानी के बहाव के अदद शुमार और फिर जो जेहलम सिंध और चिनाब पर तामीर इस और मजवजा मनसूबों पर एतराज़ा पाकिस्तान ने उठाए, उसको भारत जो है वो आएँ बाएँ शाएँ करता रहा। और फिर इसके अलावा जो डिवेलपमेंट्स हो रही हैं जिस पर बात भी हो रही है, ब्लूमबर्ग और इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो लिख भी रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के दरमियान डायलॉग एक दफ़ा फिर शुरू हो गया है, और ख़त भी लिखा गया नरेंद्र मोदी की जानब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कल 23 मार्च के हवाले से, और इससे पहले उनको कोरोना के हवाले से विशेष भी दी गई कि वो बेहतर जल्द सेहत हो जाए। तो ये जो एक डेवलपमेंट हुई है, ताल्लुकात अपनी जगह पर, लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये, और फिर आइंदा आने वाले दिनों में किस तरफ ये सिचुएशन जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमीन साहब जो कि तजियाकार हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो हम बात कर लेना, ये जो कल मुजाकरात हुए या कोशिश की गई कि मामला बेहतर हो, इंडस बॉर्डर ट्रीटी बड़ा लंबा इशू चल रहा है, अभी तक ये मामला सेटल नहीं हो पा रहा कि आखिर भारत हर दफा कह देता है कि जी हमारा ये राइट है, पाकिस्तान यही क्लेम कर रहा है इन दरियाओं पर कोई भी प्रोजेक्ट भारत नहीं बना सकता, ये सिचुएशन आखिर किस तरह से हल हो सकती है? देखिए, स्टेट में जंप करना इंडस के ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा इसको कहते रीजनल सिचुएशन देखनी पड़ी, ग्लोबल रीजन। आपने देखा कि जैसे सिक्योरिटी में भी पाकिस्तान का पोषमा चल रहा है इंडिया के साथ, सीज फायर का और सम डिस्कशंस गोइंग ऑन, आप होंगे मीडिया को जी। ये एक ओवरऑल सिचुएशन चल रही है विच इज पोस्ट यूएस इलेक्शंस के बाद जो बाइडेन की पॉलिसी है, एक चाइना का है, हमारा रीजन जो कि इस वक्त डायरेक्टली फोकस है दोनों पावर्स का, अमेरिकन पावर का भी और चाइनीज का, तो डेफिनेट हमारे नेबर भी हैं और डायरेक्ट इंटरेस्ट है इस पूरे रीजन। तो ये जो टसल चल रही है, ये अब सेटलमेंट जिस तरह अर्थक्वेक आता है तो उसमें कोई थोड़ा सा यानी शॉक्स कम होते हैं, सेटलमेंट की तरफ रॉक्स जाती है जी। तो प्रॉपर्टी मेरी जाती राय में ये है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का भी एक इशू इस नजर से भी देखना चाहिए कि जो उन्होंने आपको पी जेस्टर भेजा है, फ्रेंडली जेस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब की तबीयत का पूछा, बाकी गुडविल के जेस्टर जो वो भेज रहे हैं इंडिया जी। तो मेरा ख्याल है उनको प्रेशर है गल्फ कंट्रीज की तरफ से और अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर, और कुछ उनका सेल्फ अपना प्रेशर भी है कि जी चाइना एक तरफ उनका जो पिछले 2 सालों से चाइना के साथ एलएसी के ऊपर मिलिट्री स्क्रिमिशेस चल रही हैं, और वाटर का चूंकि जो काम हमारे साथ इंडिया पिछले तकरीबन आप कह लें कि 30-40 सालों से कर रहा है कि हमारा पानी हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, और उसकी कुछ क्लॉजेस हैं एक्चुअली इंडस वाटर ट्रीटी की जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें एक दो ऐसी क्लॉजेस हैं जिसको वो एक्सपायर्ड करता है अपनी एडवांटेज के लिए, और डैम बना के तो वो वाटर स्टोरेज कर लेता है, से अगर उसको 10 MMF की इजाजत है सेव करने की तो 10 के बना देगा तो 10,000 रुपये होता है। तो वायलेशन हो रहा है यानी रन ऑफ द
टर्म यूज होती है कि जितना रन ऑफ द रिवर आदमी जाना चाहिए वो उससे उससे ज्यादा पानी हमारा चुरा लेता है और वो हमारे दिस इज नोन एज फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में यही चीज है ना, अदर देन द ब्रेन एक इकोनॉमिक्स की भी वॉरफेयर होती है और वाटर इज द बिगेस्ट सोर्स. आपको पता है हम एग्रेरियन इकोनॉमी हमारी काफी बड़ा फैक्टर हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बेस करते हैं. तो बिल्कुल उससे तो फिर हमारे बहुत से सेक्टर्स मुतासर होंगे, सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं होगा लेकिन ऑब्वियसली मेनली वो मुतासर होगा. हमारा स्टैंड क्या रहेगा ब्रिगेडियर साहब? अभी तो हम भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर बोल भी रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान क्या कर सकता है? मतलब मकबूजा कश्मीर पर जैसे भारत ने कब्जा कर लिया, फिर पाकिस्तान ने दरियाओं पर वहां मंसूबे बनाए जा रहे हैं और परमानेंट बेसिस पर बनाए जा रहे हैं जो अलाउड नहीं है, तो सिंतास आलमी कवानीन की तो धज्जियां उड़ ही रही हैं, पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है? आपको शायद इलम में नहीं है, ना सिर्फ बंद नहीं बना रहा वो, टनल्स भी बना रहा है. और मैं चूंकि मेरा तल्लक खुद कश्मीर से ही है और मैं उस एरिया में डिप्लॉयड भी रहा हूं, तो ये जो नीलम से ऊपर दरिया नीलम हमारा आता है वो उसको जब उनकी तरफ जाता है तो वो उनका गंगा बन जाता है, तो वो इस रिवर के ऊपर वो टनल बना रहे हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए और वुलर लेक में उसको पानी डालेंगे. वुलर लेक से फिर और जो प्रबंध ये जो रेंज जम्मू की तरफ जाती है वहां से एक टनल बनाएंगे और इसको लेंगे वो अपने पंजाब की तरफ, यानी ऊपर से सारे का सारा पानी नीचे आ जाएगा. इसी तरह इंडस के भी ऊपर आपने देखा कि जिन दिनों ये अभी लद्दाख में जो जिस जगह पे इशू हुआ है यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे डैम्स बना के हमारा जो स्कर्दू में रिवर आता है और जो सियाचिन की तरफ से हमारा दूसरा दरिया आके स्कर्दू के पास मिलता है, इन दोनों दरियाओं को वो अपनी जगह पे रोकने की कोशिश कर रही है. तो और उसकी मोदी ने धमकी भी दी थी आपको याद हो 4 साल पहले कि हम इनको पानी की बूंद बूंद को तरसाएंगे. उनकी तो हर नेशनल स्ट्रेटेजी और देखिए रियलिस्ट पैराडाइम में यही होता है, हम बातें करते हैं असल में आइडियलिज्म की. आपको पता है मैं चूंकि इंटरनेशनल रिलेशन का पीएचडी है मेरी, तो इसमें ये होता है कि हम आइडियलिज्म पे जब सोचेंगे तो हमारे सारे फ्रेम गलत हो जाएंगे. रियलिस्ट थ्योरी है एवरी नेशन हैज अ राइट टू कैलकुलेट हिज ओन नेशनल इंटरेस्ट and to go for that. और जो लेकिन ब्रिगेडियर साहब फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में ये भी तो आता है, यूएन का भी तो किरदार है. अगर ये जो मुआहदा वर्ल्ड बैंक ने करवाया इसमें यूएन का भी किरदार बनता है, इंटरनेशनल लॉबीज का किरदार बनता है कि वो इस मुआहदे को देखें, अगर कोई खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो उसको देखा जाए. जैसे कश्मीर में एटलीस्ट बोल तो रहे हैं, इधर भी बोलना चाहिए, यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है खामोशी सी हो गई है. ऐसे है कि वर्ल्ड बैंक की जो सारी स्टाफ और फाइनेंसर हैं वो कौन है? Whoever controls the finance, he is the boss. सही. तो मोरालिटी पे नहीं जाते, एथिक्स पे नहीं जाते, यहाँ रियलिज्म की बात करते हैं. रियलिज्म में ये होता है कि पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है, लेकिन आप जब भी इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट पे जब भी आप इंटरनेशनल में गए थे ना, आप 8 साल पहले केस हार के आ गए थे, क्यों हारा था हम लोगों ने केस? बिल्कुल सही. तो बेसिकली फिर केसेस हारने की बजाय या फिर जीतने की बजाय फिर इस वक्त क्या किया जाए? खामोशी इख्तियार कर ली जाए क्या अपने अंदर? ना 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 ना, खामोशी नहीं करें, पुट योर हाउस इन ऑर्डर. वो जो आपका इंडस वाटर कमीशन का जो कमिश्नर जो 27 साल बैठ के आपका बेड़ा गर्क करके कनाडा में जाकर जाइलम लिया हुआ है अंडर दी ये जो FATF के जो एक्ट्स हैं उसके मुताबिक, आप क्यों नहीं उसको वापस मंगवा के उसका उसको अकाउंट फॉर करते कि उसने क्यों 26 साल हमारे से बहुत सारे इंडिया के साथ ऐसे मुआहदे किए, डायलॉग्स किए जो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो हमारी कमजोरी बनते गए. क्योंकि एक स्टेज होती है, देखें आर्बिट्रेशन में ये होता है कि जो ही कोई डैम बनने की कोशिश बनाया जाता है उसका डिजाइन आपके साथ शेयर किया जाता है जी. आप डिलिबरेटली वो भी माशाल्लाह शाह साहब थे, अल्लाह ताला हदायत दे उनको वहां पे कनाडा में जी. तो उन्होंने बहुत सारे डिलिबरेटली जो है ना ऐसी चीजें की विच वर्क्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान और बहुत सारे हमारा पानी उस वजह से जब एक बन जाता है और फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ उसमें गए लेकिन आप मुकदमा हार गए राइट.
बिल्कुल ठीक, मुकदमा हार गए और ऐसा होता है, तो आपकी एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, अपनी सिचुएशन बेहतर होगी तो आगे जाएगा, लेकिन अभी की सिचुएशन पे हमें भरपूर प्रोटेस्ट करना चाह भी रहे हैं और इस मामले को आगे लेकर चलना चाहिए, क्योंकि खामोशी जो है वो किसी तौर बर्दाश्त नहीं होगी और फिर जब आप ये बात करते हैं तो इंडिया खुद ब खुद खुलकर उसका मकरू चेहरा जो है वो सामने। बिल्कुल, और इसके साथ साथ उन्हें देख रहे हैं कि तजारत और एम्बेसीज की जो सूरत हाल है किस तरह से बेहतर होती है और इसका देर पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें ब्रेक लेनी है फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे, आज इंटरनेशनल डे है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टीबी से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि मौजी भी है और पाकिस्तान खासकर अगर बात करें तो टीबी के शिकार मालिक में छठे नंबर पर पहुंच चुका है। बिल्कुल, और अगर हम ओवरऑल बात करें तो पिछले साल पूरे साल में दुनिया भर में 15 लाख लोग जो है वो टीबी का शिकार हुए और इस दुनिया से चले गए। ये एक ऐसा मर्ज है जो आपके लंग्स को इफेक्ट करता है और हवा के जरिए एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल भी होता है। टीबी का मर्ज दुनिया भर में हर रोज 5,000 के करीब जाने जो हैं वो ले जाता है और एक तिहाई, एक अंदाजे के मुताबिक, एक अदाद शुमार की कैलकुलेशंस के मुताबिक दुनिया भर में एक तिहाई टीबी के मरीजों में मर्ज की तशखीस ही नहीं हो पाती है और फिर या उन्हें इलाज की सहूलियत मैसर नहीं आती है, जिसकी वजह से वो मर्ज इतना बिगड़ जाता है कि जानलेवा साबित। बिल्कुल, तो इस मर्ज का आखिर इलाज क्या है, वजूहात क्या है, किस तरह से ये फैलता है और इस वक्त सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में, किस तरह से इसको डील किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर नसीम अख्तर, जिन्होंने पिन से हमें ज्वाइन किया है, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज डॉक्टर साहिबा, चूंकि टीबी डे है और हम खासकर इस सेगमेंट में टीबी पर बात करने लगे हैं, ये बताइएगा सबसे पहले कि पाकिस्तान छठे नंबर पर है इस वक्त दुनिया में टीबी के शिकार मरीजों के हवाले से, अगर इसका नंबर देखा जाए, वजूहात क्या है, आखिर सूरत हाल क्या है टीबी को लेकर पाकिस्तान में? ये बहुत, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ट्यूबरक्लोसिस एक मुतद्दी बीमारी है और ये एक से दूसरे को बड़ी तेज़ी से लग जाती है और जब तक इसके फैलाव के ऊपर कंट्रोल ना किया जाए बहुत सारे लोग इसका शिकार हो जाते हैं और मौत का शिकार भी हो जाते हैं। दुनिया में तकरीबन हर रोज़ 4,000 लोग ऐसे हैं जो कि मौत के मुँह में चले जाते हैं और पाकिस्तान में भी ये तादाद काफ़ी ज़्यादा है। और ये मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 44,000 लोग हर साल मौत का शिकार हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनकी तशखीस वक्त पे ना हो और उनका इलाज टाइमली ना हो सके, इसी बुनियाद पर ये लोग बीमारी का शिकार होते हैं और फिर ना सिर्फ खुद बीमार होते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी इस बीमारी को स्प्रेड करने का बायस बनते हैं। तो पाकिस्तान में इस सिलसिले में जो एफर्ट्स शुरू की गई थी ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने के लिए नेशनल लेवल पे, वो 2001 में नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया था और इस प्रोग्राम ने फिर तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर प्रोविंशियल लेवल पे जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है उसको एस्टेब्लिश किया। इस वक्त पाकिस्तान में पूरा एक नेटवर्क मौजूद है जो ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने के लिए कोशां हैं और इस सिलसिले में ना सिर्फ ये कि तमाम लोगों को बिला तफरीक मुफ्त इलाज और तशखीस की सहूलत फराहम की गई है बल्कि जो जितनी भी दवाइयाँ हैं जो लोगों तक पहुँचाई जाती हैं वो कुछ डोनर एजेंसीज के थ्रू इस वक्त हमारे जितने भी बड़े सेंटर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि टीबी एक काबिल इलाज बीमारी है और बर वक्त इसकी तशखीस हो जाए और बर वक्त इलाज हो जाए तो इस बीमारी के जो असरात हैं हमारी सेहत के ऊपर, हमारे माशरे के ऊपर और हमारी इकोनॉमी के ऊपर, उनसे बड़ी हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहिबा, आपने कहा 44,000 लोग एक साल में इसका शिकार हो जाते हैं और उसकी मेन वजह ये भी है कि या तो तशखीस नहीं हो पाती है या वो प्रॉपरली उसका इलाज नहीं कर पाते। एक और रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद 70,000 भी है, बट लेट्स नॉट गेट इन टू दैट, नंबर काफी ज्यादा है 44,000 भी अगर ले लें और उसमें ज्यादातर तादाद खवातीन की है। क्या वजह है कि ये डायग्नोज नहीं हो पाता, क्या वजह है कि साइन एंड सिम्टम्स में सो जाते हैं, थोड़ा इस बीमारी के हवाले से बताइएगा। जी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये एक मुतद्दी मर्ज है, यानी ये बीमारी ऐसी है जो एक से दूसरे को लग जाती है। टीबी वैसे तो जिस्म के बहुत सारे हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है उनको मुतासर करती है लेकिन जो सबसे कॉमन जो टीबी है वो फेफड़ों की टीबी कहलाती है और ये वो वाहिद किस्म है टीबी की जो कि सांस के जरिए, जैसे खांसने से, छींकने से, एक दूसरे के पास बैठकर बात करने से दूसरे बंदे को लग जाती है। अब होता यह है कि अगर किसी पेशेंट को खांसी लगी हुई है और उनको बुखार हो रहा है, मैं यहाँ बताती चलूँ कि अलामात क्या होती हैं। तो बेसिकली शुरू में हल्का बुखार होना
और ये बुखार थोड़े लंबे अरसे तक चलता है और आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ये होता है कि पेशेंट अपना वजन लूज करना शुरू कर देता है, खांसी होती है और बाज़ औक़ात उसके साथ बलगम और बलगम में खून की आमेजिश भी शामिल हो जाती है। तो ये वो अलामत हैं। और दूसरी ये भी बड़ी अहम बात है आवाम के लिए कि अगर किसी भी पेशेंट में खांसी की जो ड्यूरेशन है वो दो ज़्यादा हो जाए तो हमेशा पहला डायग्नोसिस ये सोचना चाहिए कि कहीं टीबी तो नहीं हो गई। सो यानी एक क्रॉनिक कॉफ, दो हफ्ते से ज़्यादा की कॉफ, खांसी और बुखार और वजन का गिरना, ये मेन अलामत हैं। कभी कभी खून भी आ जाता है थूक के साथ। सो अगर किसी को ये अलामत हो तो उसको चाहिए कि वो फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता करे। दो हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी रहे तो टीबी को शक कर लेना चाहिए, सस्पिशन में शामिल कर लेना चाहिए और उसको टेस्ट कराना। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। इसके साथ साथ आपने कहा कि टेस्ट करवा लेना चाहिए, ये बताइएगा ये जो टेस्ट का प्रोसीजर है क्या सिंपल एक्सरे से हो जाता है, कितना ये पेचीदा मामला है कि इसको डायग्नोज भी हो जाए, और फिर इलाज के हवाले से बताइएगा कि वो किस कदर मुश्किल हो जाता है या फिर आसान है। जी इस वक्त मैं आपको बताती चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की एफर्ट से इस वक्त 1600 से ज़्यादा हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं जहाँ पे ये तशखीस की जा सकती है, और उनमें से हमारे माइक्रोस्कोपी सेंटर्स भी हैं और एक्सपर्ट साइट्स भी हैं। जितने भी हमारे मेजर अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं, उसमें एक्सपर्ट की मशीनें लगाई गई हैं। जो सबसे सादा तरीका है टीबी की तशखीस का वो बलगम के नमूने का टेस्ट है, और ये बहुत आसान तरीका होता है। पेशेंट को कहते हैं कि वो खांसी करें और बलगम का नमूना जो है वो एक बोतल में जमा करें और जो हमारा तशखीसी मराकज हैं वहाँ पे पहुँचाएँ। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि फ़र्स्ट टाइम हम पेशेंट को कहते हैं कि उस मरकज़ में तशरीफ लाएं और वहीं पे अपना बलगम का नमूना दे दें। उसमें हम माइक्रोस्कोपी करते हैं और फिर एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको हम मॉलिक्यूलर टेस्ट कहते हैं, जिसको एक्सपर्ट टेस्टिंग भी कहते हैं। उससे इसकी तशखीस बहुत क्विकली हो जाती है और तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है और आपको पता चल सकता है कि आप में टीबी है या नहीं। दूसरा तरीका है एक्सरे है। कई दफ़ा अगर बलगम के नमूने में इसकी तशखीस ना हो पाए तो एक्सरे में ऐसी खास अलामत होती हैं जिनको देख के ये बताया जा सकता है कि आप टीबी के मर्ज का शिकार हो चुके हैं। सो तशखीस बड़ी आसान है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पूरे मुल्क में एक नेटवर्क है जहाँ पे लिंकेजेस की गई हैं कि किस तरह से ग्रॉस रूट लेवल से लोगों को टीबी की तशखीस के लिए बुलाया जा सके और उनको टेस्ट जो है वो आसानी से उनके डोर स्टेप पे पहुंचाया जा सके। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आप इलाज के बारे में भी बता दीजिएगा। अक्सर लोग चूंकि ये इसका अमवात का नंबर बहुत ज़्यादा है तो लोग इसको लाइलाज भी समझते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि लोगों को बताएं कि इसका बिल्कुल इलाज मुमकिन है और इलाज हो सकता है, ये लाइलाज नहीं है। प्रोसीजर क्या होता है इलाज का? जी ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक ये बात सब तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ डोनर एजेंसीज के तआवुन से पूरे पाकिस्तान में टीबी का मुफ्त इलाज मुयस्सर कर रखा है, और ये जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो दवाई के खाने की जो ड्यूरेशन है वो जो सादा टीबी होती है जिसको हम ड्रग सेंसिटिव टीबी कहते हैं वो तकरीबन 6 महीने है, और कंटिन्यूसली हम पेशेंट के साथ रबते में होते हैं, उनको रजिस्टर करते हैं, उनके लिए एक कार्ड इशू किया जाता है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि उनको कौन सी दवाई कितने अरसे तक दी जाएगी और कब कब उन्होंने हमारे साथ विजिट और फॉलो अप रखना है। ये बड़ा अहम है कि जो भी दवाई डॉक्टर ने तशखीस की है उसको बाकायदगी से खाया जाए, बिल्कुल भी उसमें नागा ना किया जाए, क्योंकि अगर दवाई रोक रोक कर खाई जाएगी उसमें नागा किया जाएगा तो उससे ये होगा कि जो टीबी की जो अलामत हैं वो बिगड़ सकती हैं और वो एक ऐसी टीबी में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। यानी ये वो दवाई बीमारी है जो कि आम और सादा जो टीबी की दवाइयां हैं इससे कंट्रोल नहीं होगी, फिर उसके लिए मुश्किल दवाइयां होंगी, ज्यादा अरसे तक खानी पड़ेंगी और उसके साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी का लेवल भी बेहतर है कि अगर कभी ऐसा मामला हो तो जल्दी डॉक्टर साहब के पास चले जाएं, वरना फिर ये मामला बिगड़ भी सकता है। डॉक्टर साहब आपने जैसा ये बताया तमाम इसका इलामात भी बता दिए आपने, और फिर आपने ये बताया कि प्रोसीजर क्या है ट्रीटमेंट का, वजूहात के ऊपर अगर हम आए कि वजूहात क्या होती हैं। एक तो आपने बता दिया ना कि एक से दूसरे शख्स तक ये फैल सकता है, लेकिन बेसिक वजूहात क्या है, और ये भी कि खवातीन में इसकी तादाद ज्यादा क्यों है? इसकी वजह मैं ये समझती हूँ कि आमतौर पर वैसे जो टीबी की बीमारी है ये किसी भी शख्स को लग सकती है, किसी भी उम्र के फर्द को लग सकती है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, खवातीन हो या मर्द हो। ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक जरासीम का नाम है, और आपको ये भी बताती चलूँ कि जो वर्ल्ड टीबी डे हम क्यों मनाते हैं, ये 24 मार्च को इसका जरासीम दरियाफ्त हुआ था, जो डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने इसको
दरियाफ्त किया था और उसके बाद एक रेवोल्यूशन आ गई दुनिया में कि किस तरह से इसका इलाज करना चाहिए और कैसे फैलती है। तो ये जो टीबी का मर्ज है ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ खास किस्म के ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, लाइक ऐसे पेशेंट जो कि जिनकी सेहत का लेवल अच्छा नहीं है, जैसे मेल नरिश्ड बच्चे होते हैं, इसी तरह से जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हमारी पॉपुलेशन है, जैसे एचआईवी एड्स के मरीज हैं, ऐसे लोग जिनको जिनकी न्यूट्रिशनल लेवल, जैसे खाने पीने के हालात अच्छे नहीं हैं, कमजोर हैं वो, उनकी मुदाफ़त इतनी अच्छी नहीं है, और चूंकि ख्वातीन हमारे माशरे का ऐसा हिस्सा है कि जिनकी सेहत के मसाइल अक्सर रहते हैं, बहुत सी वजूहत हैं, जैसे खून की कमी उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है और ओवरऑल उनका हेल्थ स्टेटस भी इतना अच्छा नहीं होता, तो इस वजह से टीबी का अटैक उनके ऊपर ज्यादा होने का इम्कान होता है। बिल्कुल, और डॉक्टर साहिबा, इट वाज आल्सो अ पेंडेमिक। जब टीबी आया तो दुनिया में जिस तरह से तबाहियां मची थी वो तो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है ही, लेकिन अब हम साइंटिफिकली इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि हम लोगों को ये बता रहे हैं कि इसका इलाज भी मुमकिन है और आप जो है वो इसको बर वक्त डायग्नोज कराकर ट्रीट भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन के ऊपर अगर हम बात करें तो किस हद तक रिसर्च हुई है कि बचा जा सके इससे कि टीबी हो ही ना, प्रिवेंशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है। अब जैसे कि पेंडेमिक आई है तो इससे पहले किसी को मालूम नहीं था कि ये क्या बीमारी है और किस तरह से फैलती है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। तो मैं समझती हूँ कि जब से कोविड की पेंडेमिक आई है, एक तरह से इसने हमें ये लेसन दिया है, ये सबक दिया है कि किसी भी बीमारी को बचाने में हम कौन कौन से इकदाम कर सकते हैं। जैसा कि हमें बार बार कहा जाता है कि मास्क पहन के रखें, हाथों को धोएं और फासला इख्तियार करें एक दूसरे के साथ, सो टीबी का मर्ज भी ऐसा ही है जो कि चूंकि सांस के रास्ते फैलता है, तो इसकी और कोविड की प्रिवेंशन तकरीबन जुलती है। अगर किसी को टीबी हो जाती है तो उनको चाहिए कि एक तो हवादार कमरे में रहें जिसमें खिड़की मौजूद हो, जिसमें हवा आसानी से सर्कुलेट करती हो, और ताकि घर के बाकी अफराद जो हैं वो उनको टीबी मुतासिर ना कर सके। अगर किसी से बात करनी हो तो चेहरे पर मास्क पहन कर रखें, नाक और मुंह को कवर करके रखें, ताकि जब आप खांसें या छींकें तो आपके जो करीब बैठे हुए लोग हैं उनको टीबी मुतासिर ना कर सके। फिर इसी तरह से अगर घर में टीबी का फर्द मौजूद है तो ऐसे वो लोग जैसे प्रेग्नेंट खवातीन हैं, हमला खवातीन हैं, या बहुत बूढ़े लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जो कैंसर की दवाइयाँ खा रहे हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, ऐसे लोगों के करीब भी नहीं रहना चाहिए। और टीबी का एक और इसके बारे में मैं बताती चलूँ कि अगर इसकी बरवक्त तशखीस हो जाए और इसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये बीमारी जो है वो इस हद तक इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है कि वो इंसान दूसरे शख्स को ये टीबी फैला नहीं सकता। सो एक इन्फेक्शन कंट्रोल या प्रिवेंशन बड़ी बड़ी ही अहम बात है और दवाई का रेगुलर इस्तेमाल बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आप अब जिस तरह से आपने तमाम इसके पहलू बता दिए हैं, अब जाते जाते अगर आप ये बता दें कि पाकिस्तान ने जो टारगेट रखा हुआ है 2025 तक कि 50% हम टीबी को नीचे ले आएंगे, उसके लिए आपको लग रहा है इनफ काम किया जा रहा है? देखिए, कोशिशें तो पूरी जारी हैं, हर लेवल पे इसके ऊपर कोशिश की जा रही है, लेकिन अब चूंकि अभी हम 2021 में दाखिल हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा वक्त लगेगा इन टारगेट्स को अचीव करने में, और इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत सीरियस एक्शंस अब ले रही हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसमें मैं समझती हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इसमें कंट्रीब्यूटर नहीं है, हम सबको एज एन इंडिविजुअल काम करने की ज़रूरत है, तमाम डॉक्टर्स को, हमारे अवाम को, और जितने भी लोग इस शोबे से मुंसलिक हैं, मैं समझती हूँ कि उनकी सिंसियर एफर्ट्स और अंतक मेहनत ही रंग ला सकती है। अगर किसी पेशेंट में अलामत हो तो उसको भी चाहिए कि वो फौरी तौर पर 2 हफ्ते की खांसी और बलगम की सूरत में फौरन डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि अगर किसी वजह से उन तक हेल्थ की फैसिलिटी नहीं पहुंच रही तो वो खुद हेल्थ फैसिलिटी पर पहुंच जाएं और अपने अलामत को जाने और हमसे तावुन करें। बिल्कुल सही डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप कि आपकी मुनासिबत से जितनी तकारीब और सेमिनार्स होंगे वो लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे और इन्फॉर्मेशन, और हमने भी अपना फ़र्ज़ निभाया कि इस बीमारी के बारे में इन डिटेल कॉन्वर्सेशन की जाए, बात की जाए, ताकि लोगों को जो मिसकंसेप्शन हैं या जो क्लैरिटी नहीं है वो आ सके। लेकिन एक अलार्मिंग बात कि डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि जो टारगेट्स हैं 2025 तक उसमें कुछ लग रहा है कि अचीवमेंट नहीं होगी, तो इसके लिए गवर्नमेंट को अभी भी अलर्ट होना चाहिए, मजीद काम करना चाहिए, क्योंकि टारगेट्स को अचीव करेंगे तो पाकिस्तान में सेहत बेहतर होगी। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे विफाक और सिंध के दरमियान जो इस वक्त मामला चल रहा है कराची के 3 बड़े अस्पतालों का, और ये अस्पतालों का मामला ये है कि हुकूमत विफाक की चाहती है 3 अस्पताल वो चलाएं, जबकि सिंध हुकूमत चाहती है कि ये सिंध हुकूमत को ही चलाने चाहिए। ये मामला परेशानी का बाइस बन बिल्कुल, और अब हुकूमत ने रब्ता भी कर लिया। आपको याद होगा हमने इस पर बहुत की है, MTI एक्ट के तहत जो अस्पताल प्राइवेटाइज होंगे या किस तरीके से उसको चलाया जाएगा, अब यही रूल जो है उसकी एक शक यहाँ पे भी लागू की जा रही है कि विफाक चाहता है कि उसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो विफाक
पाक के पास चले जाए। लेकिन वज़ीर आला सिंध जो है वो ये कहते हैं कि ये तोहीन अदालत ने अदालत के जुमले में भी आता है, क्योंकि अदालत इस हवाले से इसमें एक डिटेल फैसला जो है वो भी मौजूद है। इस पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी से एमएनए डॉक्टर शाजिया असलम ने हमें ज्वाइन किया है कि असल मामला है क्या और ये किस तरफ अब इंक्लाइन कर रहा है, विफाक की जानिब से क्या जवाब एक्सपेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा वक्त देने के लिए। ये जो मामला है तीनों अस्पतालों का कि सिंध हुकूमत चाहती है कि वो उसके ज़ेर इंतज़ाम रहे लेकिन विफाक उनको उसको लेना चाहती है और वो उसमें रेफरेंसेस भी कोट कर रही है कि ये बाय लॉ बाय बुक्स जो है वो हमारे अंडर आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि आपके फेडरल गवर्नमेंट हर उस लॉ को, हर उस अदालती फैसले को फॉलो करेगी जिसमें वो उनको फेवर मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि देखिए जी के सिंध में ये हॉस्पिटल्स जो है वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं और किस तरह से उनको जो है वो जो आवाम की खिदमत हो रही है, सारी मेडिसिन तक उनको प्रोवाइड की जा रही है, कोई भी एक्सपेंस जो है वो मरीज की तरफ से नहीं होते हैं। इवन कि यहाँ पर जो सर्जरीज होती हैं, एंजियोग्राफीज होती हैं, मैं अगर एनआईसीबीडी की बात करूँ तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जी। और स्टंट भी डलते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जेपीएमसी में आपने देखा होगा साइबर नाइफ की जो एक सहूलत मौजूद है वो आपको, और कीमोथेरेपी की जो सहूलत मौजूद है, और एनआईसीएच में जो बच्चों की आपने देखा है कि हर तरह की सहूलत मौजूद है। तो ये सारी चीजें जिस तरह से सिंध हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट चला रही है, आप ये देखें कि जो हमारे इस्लामाबाद के दो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, पीएमएस हो या पॉली क्लिनिक हो, उनका अभी तक क्या हशर हो चुका है, वहां पे जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके साथ किस तरह से डील हो रहा है, वहां के जो स्टाफ हैं फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना में, जिसमें मेंबर हूँ स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ की, तो हमने जब भी उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि हमने अलाउंस देना है। तो जब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट अपनी दो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, पिम्स एंड पॉली क्लिनिक, वहां पे उनको फैसिलिटेट नहीं कर पा रही हैं, तो वो किस तरह से रिस्पांसिबिलिटी। डॉक्टर साहब आपके मुताबिक विभाग जो है वो अपने अस्पताल अगर नहीं चला पा रहा जो कि इस्लामाबाद में है, तो सिंध बड़े अस्पतालों को कैसे चलाएगा? ठीक है, लेकिन ये मामला अलग है, लेकिन ये मामला इस वक्त कोर्ट में भी है जो कि कराची के तीन अस्पताल हैं। सुप्रीम कोर्ट से पहले फैसला आया 2019 में, उसके बाद आपने सिंध हुकूमत ने भी इसके हवाले से अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया। अभी ये इस पर अभी ऐसे लग रहा है कि स्टे ऑर्डर टाइप चल रहा है कि इस पर कोई फैसला हुआ नहीं है। अब जब तक फैसला नहीं हुआ, कल वज़ीर आला सिंध ने कह दिया कि मैं भी खत लिखूंगा बोर्ड ऑफ गवर्नर में, जब ये बैठ के बात हुई, और इसके अलावा जब विफाकी सूबाई काबीना में बैठ कर ये बात हुई तो उन्होंने कहा खत लिखे जाएँ। उस खत में क्या लिखा जाएगा, खत में क्या कहा जाएगा विफाकी हुकूमत को, क्या प्लान बनाया है सिंध हुकूमत ने? देखिए जी, इसमें तो यही बात आ रही है ना कि आप अगर अपने दो हॉस्पिटल्स को इतना फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, वहां के जो मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको वो फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, पेशेंट्स को नहीं संभाल सकते हैं, तो आप जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है तीन बड़े हॉस्पिटल्स का जी, तो आप उनको किस तरह से रन कर सकते हैं, आप उनको कैसे संभाल सकते हैं, जबकि वो यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट के अंडर में वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और जैसे आपको पता है कि ये अदालत में ये केस चल रहा है और जिस तरह से भी, तो ये लेटर लिखने का भी यही मामला है कि अगर हम उनको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करें कि भाई आप लोग अगर उन दो हॉस्पिटल्स का अच्छे तरीके से संभाल सके, तो फिर आप लोग इसका पहले कोई एक प्लान बनाएं जिसके बेस पे आप इसको टेक ओवर करें। और अभी तक आप देखें पीटीआई गवर्नमेंट को केपी में 8 साल हो चुके हैं, 8 साल में वहां पे उन्होंने कोई एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। वहां पे जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है वहां की हालत अगर आप लोग विजिट करें तो आप लोग सोच नहीं सकते कि वहां की हालत क्या है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सिर्फ ये नहीं है कि आपने टेक ओवर करना होता है, उसको उसके एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालना होता है। डॉक्टर साहब, आपके मेडिकल टेक ओवर तो नहीं किया जा रहा, कुछ जबरदस्ती नहीं हो रहा, ऑलरेडी ऑर्डिनेंस जो है वो एग्जिस्ट तो करता है, फेडरल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस जिसके शिक नंबर 4 है, जिसके तहत फेडरल हुकूमत ने यह नोटिफिकेशन जारी किया। साथ ही साथ आप जैसे बात कर रही है कि खत लिखा जाएगा और इस पर बात होगी, ऑडिट का भी कहा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि ऑडिट कराने दें हमें अस्पतालों के 10 साल के, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो सिंध हुकूमत के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं अहलियत पर। देखिए जी, अगर नकवी साहब ने ऑडिट करें तो फिर आप ये जो पॉलीक्लिनिक एंड पिम्स में जो अभी कोरोना की सिचुएशन में जो
आई थी, फंड्स आए थे या जो भी हमारे पास डोनेशंस आई थी, उनका उनका भी ऑडिट होना चाहिए। जो पिशावर के केपीके के हॉस्पिटल्स हैं उनका भी ऑडिट होना चाहिए। सिर्फ सिंध क्यों टारगेट हो रहा है? सिंध को एक तरह से पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है कि सिंध इनके प्रेशर में नहीं आ रहा है। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था सिंध तो हमारा सूबा ही नहीं है। तो देखिए जी, जब उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया तो वो किस बेस पे दिया था? ताकि वो अगर सिंध, उन्होंने कहा था सिंध हमारी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो अब मिस इंटरप्रेट हो रहा है। ऐसे नहीं कहा सूबा नहीं है, पाकिस्तान का सूबा है। उनका मकसद ये था कि उनकी हुकूमत पीट गई कि हुकूमत उसमें नहीं। बिल्कुल, मैं भी यही बात कर रही हूँ कि जब उन्होंने सिंध में उनकी हुकूमत नहीं है तो वो किसी भी तरह से सिंध को टफ टाइम दे सकते हैं, सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन को टफ टाइम दे सकते हैं, और जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे से चल रहे हैं या जो भी सिस्टम यहाँ पे चल रहा है उसको तो किसी तरह से भी खत्म। अच्छा, डॉक्टर साहब, आपने अब आपके मुताबिक ये मामला एनसीओसी में जो डिसीशन होते हैं, एनसीओसी में जो डिसीशन होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि हेल्थ से रिलेटेड जितने डिसीजन होते हैं वो किसी को नहीं बताए जाते हैं। इवन कि हम लोग स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ से मेंबर हैं उनके, लेकिन हमें भी इन्फॉर्म नहीं किया जाता, हमें भी मीडिया के थ्रू पता चलता है। जब हम उनसे ये बात पूछते हैं तो हमें कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये देखेंगे, जब अपने ये लोग वो लोग हैं कि वो अपने तरीके से चलना चाहते हैं, अपने तरीके से। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर जाते जाते एक बात आप कर दें, आपके मुताबिक ये आपको सिर्फ परेशानी का बाइस बन रहा है ये मामला, लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एक अच्छी बात भी इसमें की है। उन्होंने कहा क्यों ना इसको मिलकर चला लिया जाए। तो क्या ऐसी ऑप्शन रखेगी सिंध हुकूमत, अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि इसको मिलकर चलाया जाए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कुछ उनके भी लोग बैठे हैं विफाक के, और ये मामला सेटल हो जाए, कोर्ट से बाहर आकर मामला सेटल हो जाए, ऐसे कोई ऑप्शन बनाई है सिंध हुकूमत ने? देखिए जी, पहली बात तो मैं ये करूंगी कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो लगी हुई है वो प्रेसिडेंट साहब को पता ही नहीं होता कि वो क्या चीज साइन कर रहे हैं, वो किसके फेवर में होगा और कितना नुकसानदेह होगा। अगर मिलके बैठने, देखिए सिंध हुकूमत ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा वो बात की है कि आए मिलके बैठे जहां पे अवाम को सहूलत दी जाए, अवाम के फायदे की जो बात हो वो मिलके काम कर सकते हैं हम लोग। आप लोगों को याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि जहां भी कोई नेशनल कॉज होगा या नेशनल बात होगी या अवाम की सहूलत के लिए कोई बात होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, अपोजिशन नहीं है। बिल्कुल, अवाम के फायदे की बात होगी, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हैं जी, आप अवाम के फायदे की बात होगी तो जी जी करिए जी। फेडरल मिनिस्टर जो हैं हेल्थ के वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को दिल बड़ा करना चाहिए। उनको अगर अवाम से ही इतनी, चले सिंध गवर्नमेंट से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सिंध की अवाम को अगर वो मुश्किल में नहीं डालना चाहते तो ये चीज उनको नहीं करनी चाहिए। सही, क्योंकि सिंध की अवाम के लिए 3 हॉस्पिटल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरे सिंध से नहीं, आपने देखा होगा कि केपी से, पंजाब से भी लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया असलम सोमरू साहिबा और आपकी इस गुफ्तगू का, और हम उम्मीद करते हैं कि मामला सेटल हो, क्योंकि जो आवाम है, जो आम इंसान है, उसको अगर अस्पतालों से फायदा मिल रहा है तो वो मिलते रहना चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। ये तमाम मामलाते चलाने किसने हैं, ये सतह आला सतह पर फैसला हो जाए, लेकिन आवाम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इसी के साथ आपको एक लाइटर स्टोरी भी सुनाते हैं जी। कल मुझे बड़ा मजा आया ये पढ़कर कि यौम पाकिस्तान के मौका पर आपको पता ना सिविल अवार्ड मिलते हैं जी, तो मेरी दो नहीं बल्कि इनफैक्ट 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज को अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें रेशम जी हैं, अली जफर हैं, हुमायूं सईद हैं, जिनको मुख्तलिफ खिदमात के पेश नजर जो है वो सिविल अवार्ड से नवाजा गया है। और इसके साथ साथ अगर गुफ्तगू करेंगे किन किन को अवार्ड दिए गए, सदर मुमलिकत ने हम नेटवर्क सुल्ताना सदीकी को सितारा इम्तियाज से नवाजा, मरूफ अदाकारा बुशरा अंसारी को भी सितारा इम्तियाज से नवाजा है, सैयद फारूक कैसर को फन और पुतली तमाशा के शोबे में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया, जबकि सादिकी नकवी मरहूम को फन मुसवरी में भी निशान इम्तियाज से नवाजा गया, प्रोफेसर सैयद शाकिर अली को फन मुसवरी में निशान इम्तियाज दिया गया। सुफियाना मौसीकी की दुनिया में मुनफरद मकाम रखने वाली, शी इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट, आबदा प्रवीण साहिबा को भी निशान इम्तियाज से नवाजा गया। फिर इसके साथ साथ अहम शख्सियात को जो 18 सिविल अवार्ड्स दिए गए वो पंजाब गवर्नर हाउस में, जहां चौधरी मोहम्मद सरवर भी मौजूद थे, और उनमें भी अहम शख्सियात को ना सिर्फ अप्रिशिएट किया गया बल्कि मेरे फेवरेट आसिफ कवाल संतू जो हैं
उनको भी अवार्ड, तो मेरा भी एक फेवरेट इसमें अब शामिल हो गए हैं। संतू कवाल साहब को मुबारक हो, जिन जिन को ये अवार्ड मेरे इन सबको बहुत बहुत मुबारक। नईम बुखारी को मिला, फारूक शहबाज को मिला, वो नहीं लेने आ सके ऑब्वियसली कोरोना की वजह से। फिर नामवर लेग स्पिनर अब्दुल कादर मरहूम को भी उनकी बादस मौत सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। तो कंग्रेचुलेशन टू एवरीबडी जिन जिन को ये अवार्ड मिले हैं, एंड आई थिंक उनकी फील्ड में ये अप्रिसिएशन जो है वो बहुत मैटर करती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अगला टॉपिक मेरा बड़ा इंटरेस्ट का टॉपिक है, डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया, जिसपे आजकल जो है वो हम जिसे कह रहे हैं ना कि हम शिफ्ट हो रहे हैं, एक नई जो राहें हैं वो हमारे लिए खुल रही हैं। अब सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है और यही एक करियर भी प्रॉपर बन चुका है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, कुछ ट्रेनिंग भी है जो कि बड़ी जरूरी होती है जब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुल्क की सालबियत और इसके अलावा कुछ ऐसे इश्यूज जिन पर आप बात नहीं कर सकते सोशली, वो आपको देखना होते हैं। तो जैसे जैसे ये एक पैराडाइम तो है, एक नया फील्ड है मीडिया में, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि इसकी उस तरह से सेंसरशिप पॉलिसी अभी तक बनी नहीं है, आपको खुद से ही जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और आप इसको मामलात को खुद ही देखेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए भी और ये सोशल मीडिया के लिए भी। मेरे ख्याल डिजिटल मीडिया की इंपॉर्टेंस, किस तरह आप इसमें अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं और कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूएस बेस्ड हैं उजैर हसन, जो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों में ही एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ होस्ट, एज अ मॉडल काम भी करते हैं और ऑफिशियली अमेज़न के इन्फ्लुएंसर भी हैं, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उजैर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। उजैर और कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उजैर ये कहिएगा कि डिजिटल मीडिया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको कितना अर्सा हो गया ये करते हुए और लोग जो हैं वो कैसे इसको ऑप्ट कर सकते? अच्छा, विद दैट ये बहुत ही एक ब्रॉडर आपने एक चीज छेड़ी है। ऑफकोर्स डिजिटल मीडिया की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाती है, इसके अंदर जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग है, बट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट डिजिटल मीडिया, वी हैव रिसेंटली सीन के जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो काफ़ी शिफ्ट कर चुके हैं। इनफैक्ट जो आपके टीवी चैनल्स हैं, जो मेन मीडिया है, उनका भी एक अलग विंग है एंड देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन अ सेम कंपनी जो कि इस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, जो कि डिजिटल डिपार्टमेंट कहलाता है, जिसके अंदर ग्राफिक टीम्स आ जाती हैं, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें वो हम आप आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट अगर मेरी बात करें, सो आई हैव बीन इन दिस डिजिटल मीडिया फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 1 decade, जब से ये सोशल मीडिया का जो रोल प्ले होना शुरू हुआ था बैक इन 2007-2008, जब फेसबुक आया था एंड उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आए एंड उन्होंने भी इसी तरीके से जो है काम करना शुरू किया एंड राइट नाउ वी हैव सीन दैट इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री दीज डेज। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात की आपने उजैर, के मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है और हर कोई, चाहे वो लीडर्स हों या फिर कंपनीज हों, वो इस पर आ चुकी हैं सोशल मीडिया पे। तो फिर ये तो बड़े लेवल पे बात हो रही है, इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, आप इस पर काम करें, इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर्स का बड़ा जिक्र होता है और वो बड़ी जल्दी हमने देखा है कि तेज़ी से आगे भी आते हैं और फिर कहीं गायब भी हो जाते हैं, इसकी वजह क्या है आगे आने की और फिर जो गायब होने की कहाँ पर गलती होती है उनसे? अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है अटेंशन स्पैन की। हमें जो है हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है इसका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है एंड हमने देखा है कि यूजुअली पहले जो कोई गाने वगैरह भी रिलीज़ होते थे, इनफैक्ट मूवीज़ की भी अगर हम एग्जांपल ले लें तो कोई अच्छी मूवी होती है या कोई अच्छा गाना होता है जो आपको याद रह जाता है अक्सर एंड समटाइम्स आफ्टर अ वाइल आप देखते हैं कि शायद वो गाना आप दोबारा जब सुनते हैं तो आपको याद आता है कि अच्छा ये भी बहुत फेमस हुआ था एंड आई यूज़ टू लिसन दिस सॉन्ग। इसी तरह सोशल मीडिया भी वर्क करता है एंड आप एक साथ आपके सामने कोई भी एक वीडियो आ जाती है या इसके साथ आपके सामने कोई ऐसी कैंपेन आ जाती है डिजिटल जो आपको काफ़ी अट्रैक्ट करती है, कोई स्लोगन हो गया या कोई इस तरह क्या कंटेंट हो गया जिसकी वजह से वो फेमस होता है, इसकी जो लॉन्गेविटी होती है वो बहुत कम होती है एंड इसके साथ साथ जैसा हम इंडिविजुअल की बेसिस पे अगर मैं बात करूं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन्फ्लुएंसर्स और जो ब्लॉगर्स आजकल मार्केट में आए हुए हैं एंड हमने देखा कि काफ़ी जो ब्लॉगर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना कॉन्टेंट डिलीवर करते हैं। इफ़ यू टेक एग्जाम्पल्स ऑफ मूरू हो गए, जुनेद अक्रम हो गए, इनका कॉन्टेंट जो है एक डिफरेंट लोगों को अट्रैक्ट करता है लेकिन इसके साथ साथ इनका जो मेन मकसद है वो किसी तरीके का एक मैसेज डिलीवर करना है। देन वी हैव सीन दीज टिकटॉकर्स जो आजकल डिफरेंट ब्रांड्स की मार्केटिंग करते हैं एंड डिफरेंट ब्रांड्स को जो है ये कंपैरेटिवली लेसर आप एक कह सकते हैं ऑप्शन जो पड़ता है कॉस्ट के हिसाब से वो काफ़ी
कम उनको पड़ता है एंड इट्स अ चीपर ऑप्शन टू प्रमोट देयर ब्रांड्स। यूजली अगर वो टीवी पे ऑन एयर टाइम लेते हैं या यूजली अगर वो बिलबोर्ड्स की तरफ जाएंगे तो उनको काफ़ी एक्सपेंसिव एक सिंपल कैंपेन पड़ेगी, पर जो डिजिटल एजेंसी होती है, इनफैक्ट आई एम रनिंग अ डिजिटल एजेंसी इन यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल, एंड वी डिज़ाइन डिफरेंट कैंपेन जो कि अट्रैक्टिव भी हों। एंड जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि जब कोई जा रहा होता है या कोई फेमस हो रहा होता है तो बहुत जल्दी वो आउट भी हो जाता है, लेकिन हम जो कैंपेन्स इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि वो अट्रैक्टिव भी रहें एंड लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, दे कैन एंगेज बेसिकली। बिल्कुल सही, ये कंटेंट क्रिएशन बड़ा मैटर करती है एंड आई व्हाट इज ऑल अबाउट कि आपने किस तरह से कंटेंट क्रिएट करना है। उधर यहाँ पर पाकिस्तान में आपने देखा कि ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा भी करें वहीं पर शायद सिर्फ ये समझा जाता है कि अगर आपके फॉलोवर्स ज्यादा हो गए किसी भी प्लेटफॉर्म में तो आप ज्यादा पैसे कमाना शुरू हो जाओगे, कॉन्टेंट के ऊपर उस तरह से फोकस नहीं किया जाता। फिर आपने जिन दो इन्फ्लुएंसर्स का नाम लिया सोमरू, उसको देखें तो आप अपना सोशल इशू के ऊपर वो बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये मैसेज ऑन अ ब्रॉडर वे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर की? अच्छा, सबसे पहले तो किसी को भी अपना जॉनरे जो है वो आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि वो किस जॉनरे में बात कर रहा है। अगर हम बात करें जुनेद अकरम की, जैसे हमने बात की, तो उनके सोशल इश्यूज़ का बताने का जो तरीका है वो बहुत ह्यूमरस है जिसकी वजह से लोग रिलेट कर सकते हैं। एंड अगर यही चीज़ शायद कोई दूसरा करेगा तो उससे लोग रिलेट ना कर पाए, एक ये हो गई चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है आपने जैसे बताया कि लोग अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करके समझते हैं कि उनकी जो है पब्लिक अपीरियंस या पब्लिक वर्थ बढ़ गई है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट ट्रू। आपकी इंगेजमेंट भी मैटर करती है एंड रिसेंटली फेसबुक के जो CEO है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने भी अनाउंस किया कि उन्होंने लास्ट मंथ ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन अकाउंट्स जो हैं वो डिलीट किए हैं फेसबुक से। वो भी इसी वजह से क्रिएट किए जाते हैं कि किसी फेक तरीके से आपके पेजेस के ऊपर जो है आर्टिफिशियल ऑडियंस का इनफ्लो दिखाया जाए जिसकी वजह से आप ब्रांड्स को अट्रैक्ट कर सकें। लेकिन ब्रांड्स आर स्मार्ट एज वेल, वो आपके इनसाइट्स में जाते हैं, वो एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिसकी वजह से आपकी ओरिजिनल वर्थ पता चलती है। सेम हैपन्स विद इंस्टाग्राम एज वेल, हम देखते हैं कि एक साथ ही कोई भी कैंपेन लॉन्च होती है वो डिफरेंट इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे प्रमोट भी हो रही होती है एंड यूजली जो नंबर ऑफ लाइक्स ऑन अ पिक्चर या ऑन अ पोस्ट होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं अगर आप फॉलोअर्स से कंपेयर करें, क्योंकि वी हैव सीन दीज पीपल गेटिंग सो मेनी फॉलोअर्स बट उनकी एंगेजमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर है, विच इज डेफिनेटली अ क्वेश्चन मार्क। सही उजैर, अब ये एंगेजमेंट्स का जिक्र आपने किया, बड़ी टेक्निकल बात की। इसके अलावा एक और मामला जो कि हम जिक्र करना चाहते हैं वो है मेन स्ट्रीम मीडिया में तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ पर बहुत सी सेंसरशिप पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं। अगर हम इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर्स की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा है कि वो अभी उस तरह से ये मेन स्ट्रीम में आया नहीं है तो इसलिए उतनी सेंसरशिप है नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे, कहाँ पर गलतियाँ होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स की? अच्छा, इस पे बहुत ही ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए उनकी तरफ डेफिनेटली बनती है, लेकिन इसके साथ साथ जो ब्लॉगर्स हैं या जो यूट्यूबर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वी हैव सीन के जिस तरह नादिर मक्सी पी फॉर पकाओ एक फेमस पेज है जिसके जो व्यूअर्स हैं वो दुनिया भर में हैं, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इस तरह के प्रैंक्स करते हैं जो कि किसी को हर्ट नहीं करते हैं या किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं। बट वी हैव सीन देयर आर डिफरेंट यूट्यूबर्स आउट देयर जो कि इसी कॉन्सेप्ट को उठाकर प्रैंक्स कर रहे होते हैं लोगों के साथ, बट दे आर डेफिनेटली, हमने देखा कि काफ़ी लोग इस तरह इसका शिकार भी हुए हैं कि कुछ लोगों को चोट भी लगी एंड सम पीपल हैव डाइड एज वेल। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना शो करते हुए एंड ऐसी जगहों पे प्रैंक्स करना जहाँ पे सूटेबल नहीं था, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एंड अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें सो दे आर प्लेइंग वेरी इंटेग्रल पार्ट। हमने देखा कि कोई अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर ड्यूरिंग द इलेक्शन, यूएस इलेक्शंस हो रही थी, तो वो ऑलरेडी इंस्टाग्राम या ट्विटर जो है कैंसिल कर रहा था। एंड हमने देखा कि इनफैक्ट एट दैट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन तक का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया गलत इंफॉर्मेशन जो है सर्कुलेट करने पे। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद बोथ, चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव, इट्स अबाउट कंटेंट, इट्स अबाउट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स अबाउट आपकी क्रिएटिविटी, तभी आप एक कामयाब इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर या डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बन सकते हैं। थैंक यू सो मच उजैर फॉर कमिंग इन एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड गिविंग ऑल द टिप्स टू एवरीबॉडी हु वांट्स टू जॉइन दिस एज अ करियर। इसके साथ साथ टिप्स में ये भी शामिल कर लें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद दिखानी है क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है, जब आपका अकाउंट है तो आप इन्फ्लुएंसर भी हैं ब्लॉगर भी हैं, तो जिम्मेदार तरीके से इसको इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये बड़ा जरूरी चीज है। बिल्कुल, इसी के साथ आपसे हम इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।